ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਹੋਏ। उन्होंने पवित्र गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों वालों सुनील जाखड़ को सम्मानित भी किया गया। पत्रकारों नाल गलबात करदे भाजपा आगू विजय सापला ने कहा कि भाजपा वालों सुनील जाखड़ को पंजाब प्रधान की जिम्मेवारी सौंपी गई है। सानू आस है कि सुनील जाखड़ की अगवाई में भाजपा होर तरक्की करेगा। इसके नाल ही भाजपा के अकाली दल गठजोड़ और विजय सापला ने कहा कि यह काम हाईकमांड का है और हाईकमांड जो फैसला लवेगी वह सानू मंजूर होगा। फिलहाल भाजपा अपने बलबूते समर्थ है। दूजे पासे नव नियुक्त भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि उन्होंने नवी जिम्मेवारी मिलन से वह सचखंड श्री दरबार साहब नमस्तक होने पहुंचे हैं। हे वाहेगुरु का शुकराना कहन पहुंचे हैं। इस दे नाल ही जदों अकाली भाजपा के गठजोड़ बारे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वह वाहेगुरु के चरणों में आके किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करना जाना। इस बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं गलबात का जवाब देवांगा। निस्संदेह कि जब कोई नया अध्यक्ष आता है तो निस्संदेह वो नई ऊर्जा के साथ काम करता है और हमारे सुनील जाखड़ जी अब आए हैं एक नई ऊर्जा से के साथ आगे काम करेंगे। वो पुराना एक्सपीरियंस भी है उनका, क्योंकि एक अच्छा वो राजनीतिक घराने से संबंधित भी रखते हैं और उनका पुराना भी एक बहुत बड़ा इतिहास है और इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में भाजपा और तरक्की करेगी, ऐसा हमारा मानना है और हमारी तरफ से सुनील जाखड़ जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देखिए ये काम हाईकमान का है, ये यहाँ पर नहीं है, उनकी इच्छा के ऊपर। बीजेपी के लीडर कहीं मायूस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से आकर बीजेपी के जो अहदे हैं वहाँ पे कांग्रेस के लीडर बैठ रहे हैं लेकिन बीजेपी के पुराने लीडर बोल रहे हैं कि किसानी आंदोलन में हमने हम पर हमले हुए, हम पर लोगों ने पथराव किया लेकिन हम पार्टी के साथ खड़े रहे लेकिन पार्टी हमें दरकिनार कर रही है। ऐसा है कि आज उत्साह देख कर आप मेरा ख्याल आपकी इस बात का जवाब होगा। बाकी ऐसा है कि जब बड़ा परिवार होता है तो ये कुछ संभावनाएं रहती हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं है। भाजपा में एक बहुत खूबसूरती है, भाजपा में बहुत खूबसूरती है कि वो सब मिलकर काम करते हैं। वो अपने विचार जो है वो संगठन उनके लिए सर्वप्रिय है क्योंकि भाजपा में काम करने वाला सबसे पहले उसके राष्ट्रीय है और उसके बाद उसकी पार्टी है, उसका दल है और उसके बाद वो स्वयं है और इसलिए किसी की भी स्वयं की अपनी इच्छा शक्ति को वहाँ नहीं होती और सबके लिए राष्ट्र और जो है हमारा दल है, हमारी पार्टी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सब मिलकर काम करेंगे। नीचे तो रखो, नीचे तो रखो, नीचे कर लो भाई साहब, नीचे करो, नीचे कर लो। आदरणीय सुनील जाखड़ जी को पंजाब के अध्यक्ष बनाने का जो फैसला किया, मेरा स्पष्ट मानना है कि जाखड़ जी एक बड़े लीडर है, पंजाब की जनता उसे पहचानती है। उन्होंने और उनके पिताजी ने काफ़ी देश की और पंजाब की सेवा भी की है और एक पंजाब की जनता को एक निडर नेतृत्व चाहिए इस स्थिति में, तो जाखड़ जी की अध्यक्षता में आने वाले 24 की चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से दिल्ली में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी और पंजाब में भी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी वो उन पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने इसलिए ही बताया अकेले ही लड़ेंगे
और हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब जो आप समझो सुखबीर बादल को केंद्र की वजारत मिलने जा रही है, सियासी सफों में ये हलचल पैदा हुई है कि सुखबीर बादल कल 7 जुलाई को देखिए मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अकेली चुनाव लड़ेगी और अच्छा प्रदर्शन करेगी। मेर भरिया हथ पहला भी गुरु महाराज का जो कुछ है गुरु महाराज की देन है, इन्हीं की कृपा से सजे हैं हम। अज गुरु महाराज का शुकराना करन, गुरु महाराज तो मेर की बख्शिश वास्ते ते गुरु महाराज तो अज पंजाब के मुद्दों ते गल उठाने वास्ते पंजाब पंजाबी पंजाबीयत साड़ी भाईचारक सांझ दे वास्ते हमेशा आवाज़ उठाते रहिए, उहदे वास्ते अरदास कीती है, उन्हां तो अज बख्शिश मंगी है। इन्ना ही मैं कहना चाहूँगा अज गुरु घर के दरबार च खड़ के दे शिवा वर मोहे शुभ करमन ते कब हूँ ना डरूँ, जब जाए लड़ूँ हरी से तब निश्चय डरूँ ना हरी से, जब जाए लड़ूँ निश्चय कर अपनी जीत करूँ, पंजाब दे वास्ते पंजाब दे मुद्दियां वास्ते पंजाब दे भलाई वास्ते गुरु महाराज की मेहर नाल तगड़े डट के पंजाब दे हितां दे उत्ते पैरां देंगे। अज इन्नी गल कहना चाहूँगा, मैं सुन ली गल तुहाडी, देखो गुरु दे दरबार च खड़ के मैं वो भुल नहीं करना चाहता जिहड़े दूजे लोग सत्ता दे तक च अहंकारे करी जांदे है। गुरु घर नूं घटिया राजनीति च लबेड़न वास्ते नहीं साहब इत्थे खड़े, जिहड़ियां गल्लां तुसीं राजनीति कर रहे हो राजनीतिक मंच ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक गल दा जवाब देंगे साहब, पर गुरु घर नूं इस काम च लबेड़न वालों का हाल भी बहुत माड़ा होगा।